कर्नाटक के सीएम पद की उम्मीदवारी पर सिद्धारमैया का बड़ा बयान। सीएम की उम्मीदवारी वाले खड़गे के बयान पर सिद्धारमैया की दो टूक। कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक बयान में कहा था कि पार्टी आलाकमान अगले सीएम के नाम पर फैसला करेगा, लेकिन खड़गे के बयान के महज कुछ घंटों के भीतर ही सिद्धारमैया ने भी पलटवार कर दिया। दरअसल कर्नाटक के मौजूदा सीएम सिद्धारमैया ने दो टूक कह दिया कि वो ही सीएम पद के उम्मीदवार हैं और जीत के बाद राज्य की कमान संभालेंगे। अपने एक इंटरव्यू में सिद्धारमैया ने साफ कर दिया कि प्रदेश में कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है, ऐसे में ये स्वाभाविक रूप से उन्हें पार्टी का लीडर बनाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए वही कांग्रेस की पहली और एकमात्र पसंद है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस नेता हैं और कोई भी इससे अलग नहीं सोच रहा। मैं 100% कांग्रेस नेता हूं और सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध हूं। वहीं जब कर्नाटक में राहुल गांधी के प्रभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक के युवा उन्हें पसंद करते हैं। सिद्धारमैया ने जहां एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस की वापसी का भरोसा जताया तो वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उसे सांप्रदायिक पार्टी करार दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि चुनाव में जीत के बाद मौजूदा सीएम सिद्धारमैया ही अगले सीएम बनाए जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। खड़गे ने कहा था कि चुनाव में पार्टी की जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान अगले सीएम के नाम पर फैसला करेगा, लेकिन अब सिद्धारमैया ने भी इशारों में साफ कर दिया कि वो सीएम पद से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।